बच्चियाँ बड़े परेशान थे कि सर थोड़ा पैटर्न का बताएं, कुछ गाइडलाइन बताएं। देखो बात यह है कि इंग्लिश जनरल नॉलेज तो है ही कंपलसरी, चाहे आप मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स के हो, ठीक है। अब बाकी आपके जो इंटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, वो आएंगे। यानी अगर आपने इंटर रेंजिंग किया है तो फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएंगे। प्री मेडिकल है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आएंगे। और प्री इंजीनियरिंग में अगर आपके पास मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर था तो वो आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मास कम्युनिकेशन का टेस्ट दे रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का दे रहे हो, कंप्यूटर साइंस का दे रहे हो, कहीं का भी टेस्ट दे रहे हो ना, पैटर्न यही रहेगा। तो कराची यूनिवर्सिटी का जहाँ तक देखो टेस्ट की तैयारी का मटेरियल है, तो भाई मैं मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ। अभी जो MD गेट का टेस्ट आया था ना, वो 17 नवंबर का, उसका केमिस्ट्री का सोल्यूशन भी मैंने अपलोड किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आला पेपर ना। अब बोलोगे सर ये तो MD गेट का है। हाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें ना रिपीट होती हैं। MD गेट में जो भी अभी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए भी। इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं, और जनरल नॉलेज की तो सीरीज़ अब ना मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, डेली रोज़ाना जनरल नॉलेज की आपको ना एक सीरीज़ मिला करेगी मेरे चैनल अमीन एजुकेशन पे। तो बस अब तैयार हैं, बहुत कुछ ना इंशाल्लाह ठीक ठाक मटेरियल आपको रोज़ाना मिला करेगा। तो ये सारा मटेरियल आपको मिलता रहा करेगा बच्चों, तो बी रेडी फॉर इट। और मुसलसल भाई मैं आप लोगों के लिए अपलोड चीज़ें करता ही रहता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, बहुत कुछ हेल्प मिलती रहे। बस यही कि डेली की वीडियोस देख लिया करें, चाहे वो शॉर्ट की हों चाहे लॉन्ग की हों। कॉमर्स में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स की भी ठीक ठाक वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने अपने चैनल पे, उनको भी देखिए भाई।